हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला किस तरीके से आप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में वाईफाई भी कनेक्ट है तो भी आप दूसरे फ़ोन में यही वाईफाई को शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन करके और दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करना तो वो भी कर सकते हो, यानी कि इसमें सिम है और इस दूसरे फ़ोन में सिम नहीं है तो भी आप इंटरनेट कनेक्ट करके चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, इंटरनेट शेयर करना सिखाऊंगा। आपके फ़ोन में है गूगल पिक्सल का इंटरनेट, आप सिम है इसमें, किसी और फ़ोन में सिम नहीं लगा हुआ है तो इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा फ़ोन भी ले लेता हूँ। दूसरा फ़ोन मेरे पास ये है और जिसमें कि वाईफाई कनेक्टेड नहीं है और इसमें है वाईफाई कनेक्टेड है, इसमें इंटरनेट आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी वाईफाई के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हो और बिना वाईफाई के भी। अगर वाईफाई कनेक्टेड है यहाँ पे पहले से तो आप क्या कर सकते हो कि आप सेटिंग में जाइए, अगर वाईफाई इधर का वाईफाई इधर कनेक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, हॉटस्पॉट से भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है और इस पर जाना है वाईफाई पे, और यहाँ पे आपको फिर से जाना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से QR कोड स्कैनर को ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आप इसमें जा कर के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। बस इस पर जाइए और यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से स्कैन कर लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो वाईफाई है कनेक्ट हो गया, इधर का वाईफाई इधर कनेक्ट हो गया। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन में क्या करोगे, पहले मैं इसको फॉरगेट कर लेता क्योंकि ये कनेक्ट हो चुका है, मैंने इसको फॉरगेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें वाईफाई भी मैं हटा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैं वाईफाई ऑफ कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं अपने सिम वाला इंटरनेट जो इसमें सिम लगा हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसमें सिम लगा हुआ है, मेरा इंटरनेट चालू भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा इंटरनेट ऊपर वाला, ये नीचे वाईफाई का है। ठीक है, तो वाईफाई बंद है अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे। तो हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए आप सेटिंग में जा सकते हैं, यहाँ पे हॉटस्पॉट लिख सकते हैं आ जाएगा, या फिर ये जो पहला इंटरनेट वाला ऑप्शन दिखता है यहाँ पे हॉटस्पॉट दिखेगा, आप उसको सिंपली यहाँ से ऑन कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन करके अपना हॉटस्पॉट को, येरा हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा। और यहाँ से पासवर्ड देखना मत भूलिएगा क्योंकि पासवर्ड के बिना आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पासवर्ड पता चल गया या फिर QR कोड भी आता है यहाँ पे, QR कोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉटस्पॉट ऑन करना है, ये वाला हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, और या फिर सेटिंग में जाना है। ठीक है, ये हमें हॉटस्पॉट पर जाना है, ये रहा हॉटस्पॉट, और ये QR कोड लेना है यहाँ से, और यहाँ से वाईफाई में जाना है आपके दूसरे फ़ोन में। ठीक है, ऐसे जा करके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे QR कोड स्कैनर, यहाँ से स्कैन कीजिए और ये मेरा वाईफाई इधर कनेक्ट हो गया हॉटस्पॉट के जरिए, यानी कि इसमें सिम यूज़ होगा। आप देख सकते हैं वाईफाई यूज़ नहीं हो रहा है, सिम से कनेक्ट कर सकते, शेयर कर सकते। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए और यहाँ से पासवर्ड देख लीजिए, और यहाँ पे जो भी आपका इसका नाम आएगा आपको दिख जाएगा, जैसे कि गूगल पिक्सल लिखा हुआ रहा है तो यहाँ पे गूगल पिक्सल होगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे यहाँ वाला पासवर्ड आपको वहाँ पे ऐसे ऐसे करके टाइप कर देना है और कनेक्ट कर देना है, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।